हेलो फ्रेंड, तो क्या आप भी अपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं और जैसे ही आप वीडियो को प्ले करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे 10 सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड 10 सेकंड और राइट साइड यहाँ पे 10 सेकंड का ये जो ऑप्शन आता है, और फ्रेंड यहाँ से आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये 10 सेकंड जो यहाँ से वीडियो है यहाँ से हट जाता है। तो फ्रेंड आप इससे किस तरीका से हटा सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मैं किधर भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये 10 सेकंड वाला जो इसकी बटन है यहाँ से हट ही नहीं रहा है। और फ्रेंड मैं यहाँ पे जैसे ही कट वाले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तभी फ्रेंड यहाँ से ये हटेगा, और जब फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ चुका है। तो फ्रेंड आप इस प्रॉब्लम को किस तरीका से ठीक कर सकते हैं, ये स्किप बटन को कैसे यहाँ से गायब कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आप यहां से क्लिक कीजिएगा तभी फ्रेंड यहां से ये कट वाले के ऊपर क्लिक कीजिएगा तभी यहां से ये हटेगा। तो फ्रेंड आप इसे किस तरीका से ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये स्किप बटन को कैसे हटाया जाता है, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये जो स्किप बटन आ रहा है इसे आप किस तरीका से हटा सकते हैं या गायब कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड अगर ये आपके फोन में भी यहाँ पे यूट्यूब में ये 10 सेकंड का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे किस तरीका से हटा सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे आपको YouTube को कट कर देनी है। और फ्रेंड आपको करना क्या है, यहां पे आपको YouTube के होम पेज पे आ जाना है, कुछ इस तरीका से देख सकते हैं यहां पे होम पेज पे आ जाना है। और फ्रेंड अगर आपके साथ भी यहां पे स्किप बटन में ये 10 सेकंड आ गए 10 सेकंड पीछे का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे अब किस तरीका से ठीक कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लोगो दिया हुआ है मेरा, आपको सिंपल सा यहाँ पे लोगों के ऊपर क्लिक करना। पहले फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक और वीडियो दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का आ रहा है ये इसकी बटन। फ्रेंड आप इसे किस तरीका से हटा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इस लोगों के ऊपर क्लिक करना है, आपके फोन में भी होगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देख सकते हैं सेटिंग दिया हुआ है, आपको सिंपल सा इस सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। और फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे करके, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, देख सकते हैं सबसे नीचे में दिया हुआ है अबाउट और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एसबिलिटी, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको करना क्या है देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, आपको यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। जैसे ऑफ कर लीजिएगा तो फ्रेंड आपका जो ये 10 सेकंड का जो इसकी बटन आ रहा था आपका यहाँ पे नहीं आएगा। फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बैक होके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक हो चुका हूँ। अब फ्रेंड यहाँ से मैं यहाँ पे कोई सा भी कुछ भी चला के आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अब ये जो इसकी बटन था 10 सेकंड आगे पीछे ये हट चुका है। तो फ्रेंड इसी तरीका से आप भी यहां से ये इसकी बटन को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा किस तरीका से YouTube के ये 10 सेकंड आगे पीछे का जो इसकी बटन होता है किस तरीका से इसे रिमूव किया जाता है या हटाया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको इस वीडियो से कुछ जरा सा भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।